नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जो है एक इलेक्ट्रिफाइंग इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधा साधा नहीं है, काफी कमाल का परफॉर्मेंस आपको मिलता है, रेंज भी काफी बढ़िया सा आपको मिलता है दोस्तों। एंड मोर ओवर इस व्हीकिल को आप बाय करेंगे तो ये बॉक्स पैकेजिंग में आता है, तो किस तरह निकालते हैं, असेंबल किस तरह करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्योंकि मैं हूं आपका प्रणव, आप देख रहे पीआर टेक। और मेन इंटरेस्टिंग बात, यह सब कुछ एक साइड हो तो मेन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस व्हीकिल का क्रिएटिव डिजाइन काफी कमाल का डिजाइन है दोस्तों। ये जो है किस तरह फोल्डेबल फोन्स आ चुके हैं, उसी तरह इस साइकिल को जो है आप फोल्ड कर सकते हो दोस्तों। जी हाँ, 10 सेकंड्स में इस साइकिल को जो है कॉम्पैक्ट साइज में फोल्ड कर सकते हो। काफी कमाल का फीचर है ना, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। तो चलिए बाहर जाते हैं दोस्तों, काफी कमाल का डिजाइन के साथ आता है, तो चलिए जाके फोल्ड करके आते हैं। तो दोस्तों ये रहा बाइक जो आप देख रहे हो, ये जो है ई मोटरराइड कंपनी की तरफ से है दोस्तों। एंड इसका नाम जो है डुडुल फैट टायर। एंड इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में इसे जो है एसयूवी माना जाता है। तो ये रहा जो बाइक मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये फोल्डेबल बाइक है, 2 सेकेंड में कम्प्लीटली फोल्ड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह आपको जो है सबसे पहले स्टैंड ओपन करना होगा, तो आपको यहाँ पर आपको ब्रैकेट मिलेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करके, तो ये रहा। एंड यहाँ पर आपको जो है ब्रैकेट मिलेगा एक और, खत्म। तो ये रहा, फोल्ड हो चुका है अपना इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बड़े साइज से कॉम्पैक्ट साइज में। तो इसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू की डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, असेंबल किस तरह करते हैं एंड इसे फोल्ड किस तरह किए हैं उसका डिटेल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड लास्ट में राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ, यानी पीआर टेक के साथ। तो दोस्तों जब भी आप बाइसाइकिल को ऑर्डर करते हो तो इस तरह का सिक्योर पैकेजिंग के साथ आता है दोस्तों। आप पैकेजिंग तो देख सकते हो, एकदम मजबूत के साथ आपको दिया गया है। तो इसे ऑर्डर करने के बाद 5 to 6 days में अपने लोकेशन के अनुसार वो जो है पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लिए ये 7 दिन लगा है दोस्तों। तो इस तरह का है, तो इसे अनबॉक्सिंग करके इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स आते हैं सब कुछ जो है डिटेली दिखाऊंगा एंड उसी के साथ असेंबल भी करेंगे दोस्तों। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। मैंने जो है वीडियो को 2x में चला रहा हूँ दोस्तों, टाइम सेव करने के लिए। एंड नाइफ को यूज़ करके इस सील को जो है आप ओपन करना होगा। तो ये रहा, मैं ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ई मोटार का ब्रांडिंग आप देख सकते हो हर जगह, बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हो, काफ़ी नीटली पैकिंग होकर आया है दोस्तों। एंड सेंटर में आपको मॉनिटर की जैसा आपको लोगो मिलता है, उसमें ई मोटार का कंपनी का नाम देख सकते हो। एंड काफ़ी सिक्योर पैकिंग आपको मिलता है, फोम के साथ आपको मिलता है दोस्तों। सबसे पहले आपको जो है ये मेन पर्टिकुलर बॉक्स है, सबसे पहले एक टूल बैग आपको मिलता है है, जिसमें जो है आपको एलएन कीज, व्रेंच, स्क्रू ड्राइवर, ये सब कुछ आपको मिल जाते हैं। एंड दूसरा बॉक्स जो है इस व्हीकल का चार्जर है, मतलब साइकिल का चार्जर यहां पर आपको मिलता है। एंड तीसरा कंपोनेंट जो है इस व्हीकल का फ्रंट टायर है दोस्तों। डिस्क ब्रेक को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको गार्ड भी मिलता है एंड मड गार्ड के साथ अटैच होकर आपको मिलता है दोस्तों, फिट करते समय बात करेंगे। एंड अपना फोर्थ कंपोनेंट जो है साइकिल खुद है दोस्तों, कंप्लीटली 50% फिट होकर आता है दोस्तों, आपको आधा फिट करना होगा। तो ये रहा इस व्हीकल का हैंडल बार, तो इसे आप फिक्स करके, तो चलिए देखते हैं। आपको दिखाने के लिए फ्रेम के नीचे से मैं हैंडल लेके आया हूँ दोस्तों, मगर आपको जो है डायरेक्टली ओपन करके इस रॉड को जो है 180 डिग्री ऊपर करके आपको जो है इसके अंदर इंसर्ट करना होगा दोस्तों। जैसे कि उसके ऊपर आपको मैट पैटर्न मिलता है, उससे यूज़ करके आपको इंसर्ट करना होगा। एंड आपको क्विक रिलीज प्लेट्स को जो है टाइट करना होगा दोस्तों, हाथ से भी आप टाइट कर सकते हो, ईजिली फिट हो जाता है। तो ये रहा, हमारा हैंडल बार फिट हो गया है। अब बात करते हैं इस व्हीकल के सैडल सीट को फिक्सिंग के बारे में। एंड यहाँ पर साइकिल के ऊपर आप देखेंगे तो क्विक रिलीज प्लेट यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों। रो और लीवर जो है ईजिली आप ओपन करके अपना सैडल का रॉड जो है इंसर्ट कर सकते हैं एंड अपना हाइट के अनुसार आप जो है टाइट भी कर सकते हैं। तो सीट फिट हो गया है। अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट इस व्हीकल का फ्रंट टायर। आपको डिस्क ब्रेक प्रोटेक्शन के लिए आपको जो है गार्ड भी दिया गया है। सबसे पहले बोल्ट्स को ओपन करके आपको जो है डिस्क किस तरफ है बैक व्हील का, उसी तरफ पोजिशन पर आपको टायर को इंसर्ट करना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, डिस्क ब्रेक जो है कैलिपर के अंदर इंसर्ट होना चाहिए। एंड उसके होने के बाद आपको वॉशर्स दिए गए हैं, उस वॉशर्स को करेक्टली अलाइन करके अपना बोल्ट्स के साथ टाइट करना होगा। तो आपको टूल बैग से टूल्स भी आपको मिलते हैं इसे टाइट करने के लिए, तो एक बार उसे टाइट कर लीजिए। एंड उसके बाद आपको जो है मड गार्ड एंड लाइट को इंसर्ट करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इस मड गार्ड को एंड लाइट को जो है एलएन की से आपको जो है यहाँ पर माउंट करना होगा। तो साइकिल जो है असेंबल हो गया है, रेडी टू गो है। अब मेन बात इस व्हीकल का ब्रांड को अनलॉक करते हैं दोस्तों, मतलब अनरैप करते हैं। तो ये रहा हमारा साइकिल, रेडी टू गो है, असेंबल हो गया है।
रहे व्हीकल के कीस मेरे हाथ में है एंड ये रहा द ब्रांड न्यू इमोट्रेड फैट टायर डूडल V2। तो इस व्हीकल का कंप्लीट डिटेल रिव्यू जानेंगे। सबसे पहले इस व्हीकल का आइकॉनिक लुक, इस व्हीकल का टायर ही है दोस्तों, 20 inches एंड 4 inches विड्थ के साथ आपको ट्यूब टायर्स आपको मिलते हैं। मैग्नीशियम अलॉय एंड रिम के साथ आता है दोस्तों, स्पोक्स भी एकदम स्टैंडर्ड के है एंड आपको जो है डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम आपको सामने की तरफ मिलता है एंड उसी के साथ बैक की तरफ भी मिलता है। 160mm का डायमीटर है एंड सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे तो टेलीस्कोपिक ऑयल सस्पेंशन आपको मिलता है दोस्तों 60mm ट्रैवल के साथ एंड लॉकआउट फीचर भी आपको अवेलेबल है दोस्तों, जैसे कि आपको जो है मैन्युअली लॉक एंड अनलॉक जो है कर सकते हो अपना सस्पेंशन बार्स को जो है एंड उसी के साथ साइड में आपको जो है एडजस्ट भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इस व्हीकल के टायर के PSI के बारे में। स्टैंडर्डली ये टायर्स जो है 20 PSI से शुरू होते हैं दोस्तों, मगर इस व्हीकल में आपको सामने की तरफ 30 PSI रिकमेंडेड है, बैक टायर में 35 PSI का हवा जो है रिकमेंडेड है दोस्तों एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 7-speed डीरुलर शिमानो गेट ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको मिलता है, टूरिंग ट्रांसमिशन है दोस्तों एंड BLDC हब मोटर का लुक यहाँ पर आप देख सकते हो एंड स्पोक्स व्हील्स है एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 PSI का इंडिकेशन यहाँ पर आपको मिलता है एंड ये रहा इस व्हीकल का टायर के लुक के बारे में एंड उसी के साथ बैक की तरफ भी आपको जो है डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलता है दोस्तों बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए एंड इस व्हीकल का ब्रेकिंग सिस्टम इतना एनहांस किया हुआ है कि इसमें आपको जो है सिरामिक ब्रेक पैड्स यूज किए गए हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। ई मोटरल का ब्रांडिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एंड ये रहे इस व्हीकल के कीस, इसको जो है आपको साइकिल के नीचे में आपको इंसर्ट करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सेक्शन यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर जो है आपको इंसर्ट करके ऑन कर सकते हो इस व्हीकल को जो है। तो उसी के साथ इस व्हीकल का लुक्स देखेंगे तो एकदम बढ़िया है, डूडल का ब्रांडिंग भी एकदम स्टाइलिश लुक दिया गया है एंड यहाँ पर आपको हैंडल बार मिलता है क्या हैंग करने के लिए मतलब कैरी करने के लिए एंड बैक की तरफ आपको कैरियर मिलता है। इसका मैक्सिमम सपोर्ट जो है 35 kg तक ये जो है आराम से सपोर्ट कर लेगा, उससे ज़्यादा भी रख सकते हो मगर ज़्यादा नहीं रख सकते, मतलब 40 kg तरह रख सकते हो, काफ़ी स्टैंडर्ड से आपको मिलता है। एंड सैडल के बारे में बात करेंगे तो स्टिचिंग यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी कंफर्टेबल मटेरियल से बना हुआ है, ई मोटरराइड का ब्रांडिंग आपको मिलता है एंड ये जो है एडजस्टेबल है दोस्तों, आपको क्विक रिलीज लिवर को ओपन करके आप अपने मनपसंद के हाइट को जो है एडजस्ट कर सकते हो ईजिली। 6.5 हाइट लोगों को वालों को भी सपोर्ट करता है। उसी के साथ हैंडल बार को भी आप जो है एडजस्ट कर सकते हो सिंपली वो लिवर को ओपन करके, इसे भी आप अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो, काफ़ी कस्टमाइजेबल है दोस्तों ये साइकिल जो है एकदम बढ़िया है। एंड अब बात करते हैं इस व्हीकल के हैंडल बार के ऊपर फीचर्स के बारे में, काफ़ी कमाल का है। तो सबसे पहले आपको 3 seconds होल्ड करेंगे तो यह ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 5 inches का LCD मल्टी डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन पैनल यहाँ पर आपको मिलता है, नीचे ओडोमीटर आप देख सकते हो, ई मोटर का ब्रांडिंग आपको मिलता है एंड इस व्हीकल में आपको पेडल असिस्ट दिया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक गियर सिस्टम है दोस्तों, जैसे कि 5 levels आपको मिलते हैं, ये जो है आप पेडल मारते हो तो आपको जो है असिस्ट मिलता है इलेक्ट्रिकली, ऊपर आपको एनर्जी बार, आपको स्पीडोमीटर मिलता है एंड प्लस एंड माइनस को होल्ड करेंगे तो इस व्हीकल का ये स्क्रीन का ब्राइटनेस लेवल जो है आप एडजस्ट कर सकते हो एंड उसी के साथ माइनस बटन को जो है आप होल्ड करके रखेंगे तो ये वॉक मोड में आ जाए, ये सर्टेन स्पीड में अपना व्हीकल जो है चलता ही रहेगा, आप जो है क्रूज कर सकते हो एंड इस व्हीकल का बटन्स जो है मल्टी फंक्शनल है दोस्तों, जैसे कि प्लस एंड पावर बटन को होल्ड करेंगे तो यहां पर आपको जो है मैक्सिमम स्पीड कितना है वो आप देख सकते हो, एक और बार होल्ड करके रखेंगे तो आपको जो है एवरेज का इंडिकेशन भी यहां पर आपको मिलता है जैसे कि आप देख रहे हो एंड उसी के साथ इस व्हीकल का मैनुअल मोड भी आप एक्टिवेट कर सकते हो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ प्लस को होल्ड करेंगे तो यह कंप्लीटली मैनुअल हो जाता है इलेक्ट्रिक को छोड़ के, तो इस तरह है दोस्तों इसे ऑफ भी कर सकते हो एंड उसी के साथ पावर बटन को टैप करते ही रहेंगे तो आपको ट्रिप मीटर, वॉल्यूम, करंट ये सारे फीचर्स जो है आपको मॉनिटर कर सकते हो टाइम के साथ भी आपको मिलता है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोस्तों इस व्हीकल के लिए, काफ़ी फंक्शनल है एंड उसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंफर्टेबल हैंडल बार्स आपको मिलते हैं, ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, एक्यूरेट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको मिलता है, एकदम हैंडल जो है एकदम कंफर्टेबल है एंड यहाँ पर आपको जो है हॉर्न मिलता है, काफ़ी बढ़िया सा साउंड आपको मिलता है दोस्तों एंड उसी के साथ यहाँ पर आपको हेडलाइट्स आप ऑन करेंगे तो सामने की तरफ भी आपको लाइट मिलता है, जैसे कि आप व्यूइंग एंगल आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सा रोड को जो है कवर कर लेता है, इसे ऊपर नीचे भी आप अच्छी तरह एडजस्ट कर सकते हो। उसी के साथ रेयर टेल लाइट भी लाइट के साथ दिया गया है दोस्तों, रिफ्लेक्टर है लाइट के साथ आपको मिलता है दोस्तों, जब भी आप ऑन करेंगे तो लाइट मिलेगा, नाइट के टाइम्स में यूज़ होगा एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्विस्ट थ्रॉटल यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, सेमी थ्रॉटल जैसा है, इसे आप जो है थ्रॉटल मोड में भी चला सकते हो, 40 किलोमीटर्स का रेंज आपको मिलता है अगर
अगर थ्रॉटल के ऊपर चलाएंगे तो, पेडल असिस्ट के साथ चलाएंगे तो 55 प्लस का रेंज आपको मिलता है। एंड मैनुअल जो है अनलिमिटेड है दोस्तों, आप मैनुअली चलाना चाहते हो तो काफी बढ़िया सा रेंज आपको मिलता है। एंड उसी के साथ ये रहा शिमानो 7 स्पीड टूरिंग ड्यूरेलर है दोस्तों, गियर सिस्टम है, थंब शिफ्टर के साथ आता है दोस्तों, इसे यूज करना काफी आसान है। गियर डाउन करने के लिए ये लीवर, गियर अप करने के लिए थंब शिफ्ट आपको मिलता है। इस साइकिल का गियर किस तरह चेंज होता है वो प्रैक्टिकली भी देखेंगे जैसे कि आप देख रहे हो। एंड उसी के साथ मोटर के बारे में बात करेंगे तो 250 वॉट्स रेयर हब BLDC हब मोटर यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, काफी बढ़िया सा पावर है। टॉप स्पीड जो है इस व्हीकल का 25 km/h का टॉप स्पीड आपको मिलता है। एंड ये काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो इजीली क्विक शिफ्ट आपको मिलते हैं, इजी ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, स्मूथ गियर शिफ्ट आपको मिलता है। एंड आप बात करते हैं इस व्हीकल के बैटरी के बारे में, आपको जो है इस सेक्शन को ओपन करके आपको नीचे की लॉक सिस्टम आपको मिलता है दोस्तों बैटरी के लिए भी, ये यहाँ पर है जो बैटरी सेक्शन आप देख रहे हो। एंड दूसरे साइड से आपको नीचे हैंडल लॉक किस तरह लगाते हो उसी तरह इसे अनलॉक करना होगा दोस्तों, अनलॉक करेंगे तो अपना बैटरी जो है डिटैचेबल हो जाता है जैसे कि आप देख रहे हो। एंड निकाल समय की को जो है जरूर लेना होगा दोस्तों, इस वजह से ही ये बैटरी जो है बाहर निकलता है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी स्टैंडर्डाइज या बैटरी यहाँ पर आपको मिलता है। बैटरी स्पेक्स के बारे में बात करेंगे तो 10 एम्पीयर 36 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी यहाँ पर आपको मिलता है। आपको मोटरहेड का ब्रांडिंग आप देख सकते हो, ई मोटरहेड का ब्रांडिंग। एंड उसी के साथ यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है, इसे डिटैच करके घर पर भी जाके चार्जिंग कर सकते हो। दूसरे साइड में की सेक्शन आपको मिलता है, लॉकिंग सिस्टम भी आपको मिलता है। एंड ऊपर आपको पिंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। एंड हैंडल बार यहाँ पर आपको मिलता है बाहर निकालने के लिए, नीचे आपको जो है बारकोड का इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। एंड ये स्टैंडर्ड सर्टिफाइड बैटरी भी है, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन का भी लोगो आपको मिलता है। तो दोस्तों ये व्हीकल इतना कॉम्पैक्ट है कि अपने कार की डिक्की में भी लगा के लेके आ सकते हो दोस्तों। तो चलिए कार से बाहर निकलते हैं और उसे अनफोल्ड करते हैं। तो दोस्तों इस तरह कार में जो है कॉम्पैक्ट साइज ये फिट हो जाता है दोस्तों, आपके मनपसंद के लोकेशन में जाके आप इसे जो है बाहर भी ले जा सकते हो। तो इस तरह का है तो थोड़ा बहुत हेवी है दोस्तों, आपको सपोर्ट चाहिए होगा तो मेरा दोस्त को मैं आपको बुलाने वाला हूँ तो इसे उठाने के लिए। तो चलिए, तो दोस्तों इस तरह जो है ये अनलोड हो गया है तो इसे अनफोल्ड करके तो चले चलाते हैं दोस्तों। इसे अनफोल्ड करते हैं, सबसे पहले आपको जो है हैंडल बार को ऊपर करना होगा तो इस तरह, और एक ये स्टैंड की जैसे एक्ट करता है तो इसे आपको जो है अनफोल्ड इस तरफ से करना होगा जैसे कि इस तरह। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए सबसे पहले, एक बार होने के बाद हो जाता है। तो ये लॉक रेडी टू गो है। तो ये रहा हमारा साइकिल जो है रेडी टू गो हो चुका है। आप देख रहे हो ना दोस्तों, फोल्डेबल फ्रेम आपको मिलता है क्लिप लॉक सिस्टम के साथ, एल्यूमिनियम अलॉय 6061 के साथ आपको स्टैंडर्ड फ्रेम आपको मिलता है। एंड वारंटी डिटेल्स जो है यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। एंड इस व्हीकल को आप बाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, प्राइस के रिलेटेड, शोरूम के रिलेटेड ये सारे डिटेल्स दे चुका हूँ। एंड इसे बाई करते समय मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको जो है 3000 वर्थ एक्सेसरीज आपको मिलते हैं दोस्तों इस व्हीकल के रिलेटेड, मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो। वो प्रोमो कोड जो है PRTEX, यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। तो ये रहा डिटेल रिव्यू, तो चलिए इस डूडल V2 को जो है चलाते हैं। तो राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो इनिशियली आपको जो है काफ़ी बढ़िया सा पेडल असिस्ट का पिकअप आपको मिलता है दोस्तों, 5 मोड्स है उसमें। इजीली आप देख सकते हो मैं कैजुअली चला रहा हूँ, ये जो है उतना स्पीड से चल रहा है, काफ़ी कमाल का पिकअप आपको मिलता है। एंड कंफर्टेबिलिटी भी एकदम बढ़िया है दोस्तों, एंड सीटिंग पोजिशन भी एकदम आरामदायक है। एंड उसके साथ साथ इस व्हीकल का मोड्स जो है एकदम यूजफुल है दोस्तों, वॉक मोड है, मैनुअल मोड में आपको मिलता है, चलाने में जो है एकदम बढ़िया है, सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया सा है। जैसे कि मैं आपको ऑफ रोडिंग करके भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो है कम जर्क्स जो है महसूस करते हो दोस्तों, कंपेयरिंग टू रेगुलर साइकिल से कंपेयर करेंगे तो। किसी भी रास्ते में जो है अपना ऑल टेरेन टायर्स जो है आराम से चलाते हैं दोस्तों। एंड उसी के साथ आपको जो है कंफर्ट भी उसी के साथ मिलता रहेगा, चलाने में जो है काफी मजा भी आएगा दोस्तों। 7 स्पीड गियर ट्रांसमिशन है, आपको जो है टर्निंग करते समय भी आपको जो है एक कॉन्फिडेंट के साथ आप जो है टर्न कर सकते हो। ओवरऑल इस व्हीकल का राइडिंग एक्सपीरियंस जो है बाइक से कम साइकिल से ज्यादा आपको मिलता है दोस्तों, एकदम अलग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये रहा ई मोटर कंपनी का डूडल फैट टायर का कंप्लीट डिटेल रिव्यू। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड बाय करते समय मेरा प्रोमो कोड यूज करना ना भूलिए दोस्तों। तो ये रहा कंप्लीट डिटेल रिव्यू, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैं हूं आपका PRTEX साइनिंग आउट।